शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए नगर निगम हर संभव प्रयास कर रहा है, जिसके तहत नगर निगम ने अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई करते हुए देर रात चली मैराथन बैठक में तमाम सफाई कर्मचारियों को इधर से उधर कर दिया, जिससे पूरे नगर निगम में हड़कंप मच गया है। इसको लेकर नगर निगम आयुक्त अमित सिंह ने खास बात की हमारे संवाददाता लोकेश टंडन ने। नगर निगम मेरठ को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए पूरे जोश में दिखाई दे रहा है और अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई नगर निगम में हुई है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, यहाँ सदन चल रहा है और यहाँ पर समस्त जो यहाँ इंस्पेक्टर हैं, निरीक्षण हैं, निरीक्षक हैं, वो सब हैं और साथ ही साथ यहाँ सब सभी वार्डों के सुपरवाइजर हैं और जो नगर आयुक्त हैं वो रात में यहाँ बैठक ले रहे हैं और बड़ी कार्रवाई यहाँ कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ जो कई जगह जो मानक के हिसाब से बाहर हैं उन सफाई कर्मचारियों को मानक के हिसाब से उस वार्ड में रखा जाएगा और साथ ही साथ ऐसे वार्डों में भेजा जाएगा जिन वार्डों में अभी तक कोई सफाई कर्मचारी नहीं है। मेरे साथ ज़्यादा बातचीत करने के लिए मौजूद हैं अपर नगर आयुक्त अमित सिंह जी, मैं उनसे बातचीत करूंगा। अमित जी, किस तरीके की कार्रवाई की है अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई कहेंगे क्या इसको? नहीं, हम लोग अभी देख रहे हैं जैसे 2011 की जनगणना के मानक के अनुसार कहीं कर्मचारी अधिक हैं कहीं कम है, तो शासन के उस निर्देश के क्रम में हम लोग 2011 की जो जनगणना है उस मानक के अनुसार सबको समायोजित कर रहे हैं और कर्मचारियों को, जिससे कि कहीं पर इस तरह की शिकायत ना आने पाए कि कहीं शिकायत सफाई हो रही कहीं नहीं हो रही है, उन जगहों पर हम लोग सबको लगा रहे हैं और वहाँ पर कार्रवाई कराएंगे। और नगर निगम दिन रात लगा है कि सफाई कराने के लिए, जिससे कि नगर में किसी तरह की कोई समस्या ना आने पाए। कितने कर्मचारी हैं ऐसे, क्या स्थायी कर्मचारी हैं या जो ठेके पे हैं या संविदा पे हैं, उन कर्मचारियों को भी बाहर भेजा जाएगा? नहीं, सभी कर्मचारियों को हम लोग ले रहे हैं, अस्थाई और ठेके के दोनों जो हमारे कर्मचारी हैं सबको हम लोग जहाँ पे जो अधिक हैं वहाँ पे उनको हटा करके उसको समायोजित कर रहे हैं, जिससे कि कोई समस्या ना पाए। ये चूंकि एक रूटीन की प्रक्रिया है कि किसी भी तरह का कोई कहीं दिक्कत ना आने पाए। बिल्कुल, ये हमारे साथ अपन नगर आयुक्त अमित सिंह जी, जिनका साफ कहना है कि मेरठ को स्वच्छ बनाने के लिए वो हर प्रयास कर रहे हैं और ऐसे वार्ड जहाँ पर कर्मचारी मानक से ज़्यादा हैं उनको वापस ऐसे वार्डों में भेजा जाएगा जहां पर कर्मचारियों की कमी है, और साथ ही साथ अगर सफाई की जरूरत पड़ती है तो दिन में 3 टाइम भी वो शहर की सफाई कराएंगे। मेरठ से प्रदीप के साथ लोकेश टंडन, लाइव टुडे।